बाबू विश्वनाथ मेमोरियल फाउंडेशन द्वारा बाबू विश्वनाथ सिंह की तृतीय पुण्यतिथि समारोह आयोजित। दिनारा प्रखंड क्षेत्र के भानपुर पंचायत के जगदीशपुर गांव में बाबू विश्वनाथ मेमोरियल फाउंडेशन द्वारा बाबू विश्वनाथ सिंह का तृतीय पुण्यतिथि समारोह सह श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। श्रद्धांजलि सभा के इस अवसर पर गरीब एवं असहाय लोगों के बीच कंबल का वितरण किया गया। बाबू विश्वनाथ सिंह के तृतीय पुण्यतिथि सह श्रद्धांजलि सभा में मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि के तौर पर दिनारा विधानसभा के राजद विधायक विजय कुमार मंडल और डुमराव के भाकपा माले विधायक अजीत कुशवाहा पहुंचे। श्रद्धांजलि सभा के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता शिव दयाल सिंह ने तथा मंच संचालन राजद के दिनारा विधानसभा प्रभारी भाई संतोष ने की। पुण्यतिथि समारोह में पहुंचे सभी अतिथियों का समारोह के आयोजक रामाशंकर सिंह कुशवाहा ने अंग वस्त्र देकर फूलमाला पहनाकर और गुलदस्ता देकर सम्मानित किया। समारोह में उपस्थित सभी लोगों ने बाबू विश्वनाथ सिंह के जीवनी और समाज के प्रति उनके द्वारा किए गए कार्यों का वर्णन किया। मौके पर विधायक विजय मंडल, विधायक अजीत कुशवाहा, नवानगर के जिला परिषद सदस्य राजीव रंजन यादव, भाई संतोष, राम परवेश कुशवाहा, निर्मल कुशवाहा, वीरेंद्र कुशवाहा, कन्हैया शर्मा, राम बच्चन केसरी, गोपाल राम, बद्री सिंह, राजेश राम, रामाशंकर सिंह कुशवाहा सहित सैकड़ों लोग मौजूद थे। हमारे साथी माननीय विधायक विजय कुमार मंडल जी, नवानगर से जिला परिषद सदस्य राजीव यादव जी, वरिष्ठ नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र कुशवाहा जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, भाई राम प्रवेश जी और मनु जी, वामपंथी पार्टी सहित तमाम राजनीतिक दलों और सामाजिक कार्यकर्ता दोस्तों साथियों, हमारे बुजुर्गों, राजद की ओर भरते हुए युवा नेता भाई रामाशंकर कुशवाहा जी, मनिया एक्स के अध्यक्ष भाई नीरज यादव जी, संजय कुशवाहा जी, युवा नेता भाई पुरुषोत्तम जी और भाई सभा में उपस्थित आप सभी हमारे नौजवान युवा दोस्तों, मैं अपनी ओर से आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। पिछली बार भी जब दूसरी पुण्यतिथि मन रही थी तो हम लोग उपस्थित हुए थे। आपको मैं चुनौती देता हूं, आपसे आग्रह करता हूं कि क्यों नहीं आप खड़ा होते हैं अपने पुरखे के जिसने लड़ाई को खड़ा किया। बड़ा मजबूत बात राम प्रवेश कुशवाहा ने कि 1990 में कहा थे जब राम प्रसाद सीएमपी थे, बक्सर आप जीतते थे, आरा जीतते थे, ससाराम जीतते थे। आज रोहतास की हर लेटेस्ट न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल आवाज 85 को और हमारी फेसबुक पेज आवाज 85 को लाइक एंड फॉलो करें। यदि आप इस न्यूज को हमारे यूट्यूब चैनल आवाज 85 से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप हमारे फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो लाइक फॉलो एंड शेयर।